जो आज्ञा रख के पढ़ने वाले हम लोग फर्श एवं फर्श आवरण ठीक है। अगला चैप्टर कौन सा हो गया हमारे पास दिया फ्लोर्स एंड फ्लोर फिनिशिंग। अगला चैप्टर हो गया हमारे पास फ्लोर्स एंड फ्लोर फिनिशिंग। फर अगला चैप्टर कौन सा हो गया हमारे पास चैप्टर है ना यार चैप्टर कौन सा हो गया हमारे पास फ्लोर फ्लोर का कहेंगे हम लोग क्या फर्श। भैया आप लोग सोचते होंगे सर फर्श हम लोग कहाँ पे जनरेट करते हैं है ना, डाउट आया होगा। तो एक बार ध्यान देना आप लोग कि जो फर्श होता है हमारा सर जहाँ पर हम लोग जमीन के ऊपर रहते हैं, अगर आप लोग मकान वगैरह पर रहते हो तो मकान वगैरह पर रहते हो तो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ टाइल्स वगैरह लगी होती है ना सर, वैसे को बोलते हैं हम लोग फ्लोर। सर फ्लोर क्यों प्रोवाइड करते हैं कि भैया अगर टाइल्स की स्ट्रेंथ को देने के लिए, अगर हमारे टाइल्स की स्ट्रेंथ अच्छा तो उसमें ऊपर कुछ भारी वगैरह सामान हम लोग रख सकते हैं। तो सर वो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग कौन सा फ्लोर वाला ठीक है ना। फर्श भगवान के ऊपर चिट्ठी था जिस पर सामान रखा जाता है व्यक्ति रहते हैं ठीक है ना। मेरे आपको बात करता हूँ भैया फर्श या कुछ कहेंगे फ्लोर भवन का, भवन कह सकते हैं इसको बिल्डिंग कह सकते हैं, भवन या फिर बिल्डिंग का, बिल्डिंग का वह भाग है यहाँ पर वह हॉरिजॉन्टल, वह हॉरिजॉन्टल भाग है जिस पर मनुष्य, जिस पर क्या मनुष्य तथा सामान रखा जाता है ठीक है ना, रखा जाता है। भैया फ्लोर के वर्टिकल भाग को, फ्लोर के वर्टिकल भाग को मंजिलों के रूप में दर्शाया जाता है ठीक है। ये हो गया भी हमारा फ्लोर से फर्श हो गया है। और इसके क्या बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं बेसमेंट। और देखो भैया जहाँ पर हम रहते हैं ना टाइल्स वगैरह रहती है, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं और जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर आप लोग घर के नीचे टाइल्स वगैरह दिखते हैं ना, तो उसी चीज को कहेंगे हम लोग क्या सर, तो आप लोग आंसर देना सर, इसको कहेंगे हम लोग बेसमेंट। उसको क्या कहते हैं हम लोग बेसमेंट कहते हैं है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग बेसमेंट कहते हैं। जिस पर हम टाइल्स वगैरह दिखते हैं ना उसको क्या कहेंगे हम लोग बेसमेंट कहते हैं। और यह भूमि तक नजदीक बनाया गया फर्श है ग्राउंड फर्श। और इसको भैया भूमि इसको है ना हम लोग ग्राउंड फर्श के ऊपर से फर्श प्रथम तल द्वितीय तल के नाम से भी जानते हैं। भैया एक बार ध्यान देना फर्श के ऊपर जो ऊपरी फ्लोर होता है ना भैया वो मजबूत के साथ किया जाना चाहिए। अगर मैं यहीं पर इसकी बात करता हूँ तो इसको ऊपर वाला जो फ्लोर होता है ना फर्स्ट फ्लोर जैसे जैसे कहते हैं ना हम लोग सर, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया बोलेंगे सर, ये सेकंड फ्लोर हो गया। तो ध्यान से सुनना आप लोग सर, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर होता क्या है, तो जहाँ पर मैं रह रहा हूँ ना, मैं जहाँ पर रह रहा हूँ जमीन वाला, तो उसको तो कहूँगा मैं क्या ग्राउंड फ्लोर। जैसे उदाहरण तौर पर मान लो एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, ये मेरी क्या एक बिल्डिंग बन रही है ना सर, ये तो हो गया मेरा पूरा ग्राउंड लेवल हो गया ना, तो यहाँ पर एक हो जाएगा कुछ स्टेप्स होगा, तो यहाँ पर फिर गेट वगैरह देते हैं, यहाँ पर मैंने गेट दे दिया तो सर ये तो हो गया मेरा ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जस्ट हम लोग को छत दिखती है ना, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या फर्स्ट फ्लोर। उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कुछ दिखता है हम लोग, उसको कहेंगे हम लोग ग्राउंड फ्लोर ठीक है। स्टेप से हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो भैया ये इसको हो गया हमारे पास फर्श दे दिया हम लोगों ने। अगर हम फर्श की अगर बात करते हूँ तो एक होता है फ्लोर बेस या आधार, फर्श आधार कहते हैं।
ठीक है ना, इसमें कुछ लिख रहा हूं आगे में, अगर मैं यहीं पर अगर बात करता हूं तो ये फर्श होता है हमारे, एक तो फर्श फर्श आधा होता है, पहला कौन सा होता भी है हमारे पास, इसका अगर फ्लोर के बात करूं तो मैं पहला जो होता भी हमारे पास फर्श आधा, इसको कहेंगे भैया फ्लोर बेस, फ्लोर बेस कहते हैं इसको हम लोग, इसको क्यों कहते हैं फ्लोर बेस, तो आप लोग एक बात ध्यान देना, इसको आधा रहता है बेस कोर से या फिर सब ग्रेड भी करते हैं है ना, और ये फ्लोर बेस कोर है इसको हम लोग आधा आधा रद्दा या फिर इसको कहेंगे हम लोग बेस बेस फोर्स भी करते हैं, बेस फोर्स भी करते हैं सर, क्यों करते हैं, और इसी को हम लोग सबग्रेड भी करते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे सर, सबग्रेड भी कहते हैं। कैसे कहते हैं सबग्रेड, अरे आप लोग अगर जहाँ पर रहते हो तो सबसे पहले आपको मजबूती वगैरह चाहिए ना, तो बेस फोर वही हो गया ना भैया, जहाँ पर फ्लोर क्या अगर बेस अच्छी मजबूत होगी तो हम लोग ज्यादा कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ठीक है, जिसका मुख्य कार्य होता है ना वो फर्श को क्या करता है भैया, स्ट्रेंथ वगैरह की स्टेटिक प्रदान करता है। अगर मैं इसका मुख्य कार्य अगर बात करता हूँ, यहाँ पर इसके मुख्य कार्य अगर बात करता हूँ तो सबसे पहले तो क्या करेगा भैया, जो फर्श होती है ना हमारी, फ्लोर होती है फर्श या फिर फ्लोर होती है ना हमारी, उसको क्या करेगा आधार आधार की ताकत बढ़ाएगा, या इसकी क्या करेगा भैया स्ट्रेंथ जनरेट करेगा, ठीक है ना, स्ट्रेंथ जनरेट करेगा, स्ट्रेंथ के अरे ये फ्लोर से हम नीचे रहते हैं तो भैया टाइल्स वगैरह उसके नीचे कुछ स्लैब डालते हैं ना हम लोग, कुछ कंक्रीट वगैरह के स्लैब डालते हैं हम लोग, तो उसको क्या स्टेबिलिटी प्रदान करेगा, स्ट्रेंथ के साथ साथ में भैया ये होता हमारा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी कहते हैं हम लोग, स्थायित्व स्थायित्व प्रदान करता है, और भी हमारा फर्श आता है फ्लोर बेस, इसी का अगर पढ़ते हैं हम लोग दूसरा होता है फर्श आवरण, ठीक है ना, सेकंड होता है सर हमारे पास ये पहला हो गया, दूसरा होता है फर्श फर्श आवरण भैया, ये क्या होता है कि जो जो फ्लोर बेस है हमारा, फ्लोर बेस के ऊपर बनाया जाता है, इसको फ्लोर बेस के कैसे ऊपर बनाया जाता है, फ्लोर बेस के ऊपर बनाया जाता है भैया, सबसे पहले क्या काम करेगा ये सुंदर देख, इसको सुंदर बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, चिकना करेंगे, सुंदर बनाने के लिए इसको हम लोग चिकना करते हैं, चिकना करने के साथ में जिस पर हमने क्या मनुष्य रह सकता है, जिस पर मनुष्य क्या करता है, जिस पर मनुष्य हमारा रह सकता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं फर्श आवरण या फ्लोर बेस कहते हैं। ठीक है, इसके साथ में इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं अभी।